संजय जी हैं वो हमेशा ही अलग तरीके की कॉमेडी करते हैं, सो आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच द फिल्म। क्या खास लगा? शादी से रिलेटेड है, पूरा तो नहीं समझ में आया, बट हाँ कुछ वेडिंग से रिलेटेड है, दहेज भी है, गांव की स्टोरी है, सो आजकल ये सिनेमा बहुत इन है, तो डेफिनेटली मज़ा आने वाला है। हाँ बहुत ही अलग तरीके की स्टोरी होगी, मतलब देखी नहीं है बट मैं बहुत हाई होप्स रख रही हूँ कि मूवी बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग होगी। मैं एक टीवी शो करती हूँ जिसका नाम है ये रिश्ता क्या कहलाता है, जिसमें सिर्फ शादियाँ ही शादियाँ होती हैं, इसलिए मैं और अच्छे से कनेक्ट कर सकती हूँ कि शादियों में क्या क्या होता है, कि एक रीति रिवाज हम लोग अच्छे से निभाते हैं। सो डेफिनेटली ये मूवी में कुछ ना कुछ खास होगा, और 21 तारीख नाम है तो शायद ये कुछ शुभ घड़ी है जिस दिन शादी होने वाली है या हो सकती है, डोंट नो। मेरी खुद की शादी हो चुकी है, सो डेफिनेटली वो मेमोरी हमेशा आपके दिल के बहुत करीब होती है, एंड मैं खुद नॉर्थ से हूँ और ये मूवी भी शायद नॉर्थ बेस्ड है, तो मैं बहुत रिलेट कर पाऊँगी इस मूवी को। आई हैव बीन द पार्ट ऑफ द शो फ्रॉम द डे वन, दिस इज लाइक जनवरी वील कम्प्लीट 10 years, सो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर अस, लाइक द लॉन्गेस्ट रनिंग शो ये रिश्ता क्या कहलाता है, और लोगों का बहुत प्यार मिलता है, लोग मुझे मेरे कैरेक्टर नंदिनी के नाम से जानते हैं, सो वही बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, टू मच ऑफ लव। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, वो मेरे फेवरेट कपल हैं, मैं दोनों से मिल चुकी हूँ पर्सनली, सो आई विश देम अ वेरी वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ अहेड, एंड वो दोनों एक दूसरे को इतना अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि उनकी जोड़ी बस ऐसी सलामत रहे। शाहरुख खान हमारे सेट पे भी आ चुके हैं, वो जैसे वो इतने सालों से हमें एंटरटेन करते रहे हैं, वो अभी और 100 साल हमको ऐसे एंटरटेन करते हैं। हैप्पी बर्थडे शाहरुख।